क्या करोगे? अपनी वाली हायाबुसा पे? उस दिन तो हायाबुसा भी नहीं थी। जिंदगी में कभी ना बैठो। बारिश आ गई? यस हाँ बारिश आ गई। तेरी ये देखो। एक और मौका आ गया ट्रिप पे जाने का। ट्रिप मतलब मैं राइड कर रहा हूँ बीकानेर तक अपनी बूसा पे, और ये व्लॉग मेरे ख्याल से एक दिन आगे पीछे हो सकता है। हो सकता है ये तब आए जब मैं बीकानेर के अंदर हूँ या मैं बीकानेर से निकल रहा हूँ, बट बीकानेर का मीटअप तब तक मैं शायद कर चुका हूँ। तो मेरे पीछे मेरा रूम थोड़ा सा ज़्यादा डेकोरेट हो रहा है, तो स्पेशल यू नो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो फटाफट से क्या क्या सामान जाता है ट्रिप के ऊपर और ट्रिप पे मुझे क्या क्या लेके जाना होता है वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले होते हैं कपड़े। कुछ मेरी अलमीरा ऐसी दिखती है एंड काफ़ी ज़्यादा मैसी है, तो मैं जा रहा हूँ 3 दिन के लिए, जिसमें से एक दिन पूरा राइडिंग है, दूसरा दिन मेरा वहाँ पे है, तीसरा दिन फिर से राइडिंग है, तो उस हिसाब से मुझे कपड़े लेने हैं। तो 3 दिन मतलब 3 टी शर्ट्स। तो सबसे पहले टी शर्ट्स उठा लेते हैं। तो वैसे ये हार्ले डेविडसन की टी शर्ट है जो मुझे काफ़ी पसंद है। मैंने हार्ले से काफ़ी सारी शॉपिंग की हुई है और टाइम टू टाइम मैं शॉपिंग हमेशा करता रहता हूँ। तो दूसरी टी शर्ट ये वाली। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि मेरी सारी टी शर्ट्स पे ना वो रुए लग गए हैं, क्योंकि मैं हमेशा एक गलती करता हूँ कि टी शर्ट जो पहनी होती है वही पहन के सो जाता हूँ, एंड दैट्स अ वेरी बैड थिंग। तो तीसरी टी शर्ट भी हार्ले डेविडसन की। तो 3 टी शर्ट्स। जा तो बुजा की राइड पर रही हो। तो वैसे मैं हमेशा हायाबुसा चला रहा होता हूँ और टी शर्ट हार्ले की पहनता हूँ, क्योंकि सुजुकी की ना टी शर्ट्स कोई बहुत अच्छी मुझे कभी कहीं मिली नहीं। एक दो बार मिली थी बट वो बहुत पहले मैंने पहनी थी। जैसे मैंने ये पहनी हुई है, ये लिखा हुआ है हायाबुसा और इस पर पीछे भी लिखा हुआ है ये नाम लिखा हुआ है। तो ऐसी कुछ टी शर्ट्स मैंने पहले अपनी रैंडम बनवाई हुई है, बनवाई थी आई मीन। तो ये कितने पुरानी है? ये भाई अति पुरानी है। तो ट्रिप पे चाहिए बाना क्लावा। मेरा एक तो ये मिल गया, बाकी कहाँ है मुझे ढूंढने पड़ेंगे। एंड मुझे चाहिए कम से कम 2 बाना क्लावा, क्योंकि बाना क्लावा में क्या होता है कि जैसे पसीने आते हैं ना, तो ये थोड़ा सा गंदा हो जाता है एंड दोबारा मैं कभी पहनता नहीं हूँ, नहीं तो वो हेलमेट में ना वो पसीने वाला बाना क्लावा अजीब सा कर देता है हेलमेट को। तो बाना क्लावा क्लियर। देन मुझे चाहिए सॉक्स, तो 2 पेयर सॉक्स तो मेरे राइडिंग शूज के लिए और 1 पेयर सॉक्स जो मैं उस दिन वहाँ पे पहनने वाला हूँ। तो अब चाहिए डेनिम्स, तो एक मैं ये रखूँगा शॉर्ट्स क्योंकि मौसम हो चुका है चेंज और वैसे तो जरूरत पड़ेगी नहीं, बट स्टिल 1 पेयर ऑफ डेनिम ले लेते। और प्लस बॉक्सर्स, तो 1 2 3 3 पेयर ऑफ बॉक्सर बहुत रहेंगे। प्लस मेरा एक किट जिसमें मेरा ये एक हेयर ऑयल है, एक ये फेस वॉश है, एक मॉइस्चराइजर है, एक ये छोटा सा परफ्यूम, पॉकेट परफ्यूम बस, बाकी एक ये छोटा सा टूथपेस्ट। बट वैसे जिस होटल में मैं रहने वाला हूँ वहाँ पे बेसिक सारी चीज़ें मिली जाती हैं, मतलब जैसे शैम्पू, सोप, टूथब्रश वगैरह सब मिल जाते हैं, तो वो मैं कैरी नहीं करता क्योंकि फालतू में ज़बरदस्ती में लगेज कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो अब आ गया हूँ मैं रूम के दूसरी साइड एंड यहाँ पे भी अलग होगा। तो वैसे ही ना बहुत बिखरा हुआ है, आई एम रियली सॉरी, हमेशा मैं बिखेर के रखता हूँ, बड़ी गंदी आदत है मेरी। एंड मुझे लगता है कि एक जैकेट तो कम से कम मुझे ले ही लेनी चाहिए वहाँ पे पहनने के लिए। तो ये वाली थोड़ी सी गंदी हो रही है। हुडी लेके जाऊँ शिवम या टी शर्ट लेके जाऊँ, मतलब जैकेट लेके जाऊँ? जैकेट दिखाओ, बहुत बड़ी हो जाएगी। ये लद्दाख में जा रहे हैं, ये विंड शीटर ले जाओ। हाँ ये विंड शीटर ले लेते हैं। तो एक विंड शीटर ये वाला, ये मेरा फेवरेट है वैसे, वन ऑफ माय फेवरेट, इसको ले लेते हैं। एंड एक डीओ ले लेते हैं। तो मेरी आदत है वैसे, मैं हमेशा स्टॉक में रखता हूँ डीओस एंड बाकी सारा सामान भी, तो मैं हमेशा इकट्ठा खरीदता हूँ। मतलब जैसे अगर मुझे शैम्पू लेने होते हैं तो मैं 2-3 इकट्ठे खरीदता हूँ, कुछ सामान भी घर का लेना होता है तो मैं हमेशा 2-3 इकट्ठे ही लेता हूँ।
तो अब बात आ गई शूज की, तो वैसे ये एक शूज पड़े हैं मेरे पास रिफ्लेक्टिव, आई डोंट नो ये अभी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे कैमरे में, बट ये बड़े प्यारे शूज हैं, तो ये अभी तक मैंने पहने ही नहीं है, ब्रांड न्यू है। इवन एक ये मेरे पास ये वाले पड़े, सो दिस इज जॉर्डन, नाइकी जॉर्डन, तो ये भी अभी तक मैंने एक बार भी नहीं पहने, मैं भी नए शूज लेके जाना नहीं चाहता क्योंकि बैग के अंदर दब के खराब हो जाएंगे। शूज मेरे पास वैसे काफी सारे हैं बट मैं कंफर्टेबल शूज लेना चाहता हूँ क्योंकि वहां पता नहीं है मैं कितना पैदल चलने वाला हूँ, तो आई बिलीव ये वाले शूज ठीक रहेंगे, वाइट कलर और मुझे अच्छे भी लगते हैं, विद एक वाइट वॉच ले लेते हैं। तो अब आ गया वॉच का टाइम, तो ये वाली जी शॉक वाइट कलर और काम खत्म, ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट मतलब छोटे 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 काफी सारा सामान है, मेरे को गियर्स रेडी करने हैं, हेलमेट वगैरह क्लीन करना है, एक पेयर ऑफ ग्लासेस, एक पेयर में हमेशा ग्लासेस दो लेके चलता हूँ क्योंकि बाई चांस गलती से भी कोई एक टूट जाए या कुछ हो जाए तो कुछ नहीं हो पाएगा। और काफी सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैं हेलमेट के अंदर क्या ये अपने नजर वाले चश्मे लगाता हूँ, तो जब दिन में चला रहा होता हूँ तब कभी नहीं लगाता पर रात को मुझे लगाना पड़ता है, उसके दो रीजन है, एक तो रात को ना लाइट्स थोड़ी सी ब्लर दिखती हैं तो इसलिए मुझे लगाना पड़ता है, दूसरी चीज रात को मुझे वाइजर खोल के चलाना पड़ता है, तो वाइजर जब खोल के चलाते हैं तो हवा डायरेक्टली लगती है आंखों पे, तो वो भी एक रीजन है, तो मैं हमेशा दो लग के चलता हूँ एमरजेंसी के लिए ताकि कभी भी दिक्कत ना आए। एक पेयर ऑफ स्लीपर क्योंकि पता नहीं वहां पे क्या माहौल होगा। तो भी मैं जा रहा हूँ एटीएम, उसके दो रीजन कि एक तो हमेशा चाहे आप किसी भी ट्रिप पे हो कैश जरूर कैरी करो, कैश कैरी करना बहुत जरूरी है, काफी सारी जगह पे ऐसा होता है कि कार्ड्स और पेटीएम नहीं चलता है, तो आजकल का टाइम वैसे ऐसा आ चुका है कि काफी सारे लोग कैश नहीं रखते हैं, जैसे मैं कैश बहुत कम रखता हूँ, बाई चांस वैसे मेरे पास अभी 1,001 रुपये कैश पड़ा है पर करीब करीब मैं आइडिया समवेयर 5,000-1,000 रुपये जेब में लेके जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये काफी सारा सामान जो मेरे को चाहिए होता है ट्रिप के टाइम पे, ऑल वैसे स्वीट स्वीट स्वीट, नथिंग इज सॉल्टी इन दिस। एक दिन कैमरा देना भैया मेरे को भी, क्या करोगे? फोटो खींच के लाऊंगा घूमने का, मतलब ये फोटो वाला कैमरा ही नहीं है, क्या है ये वीडियो वाला है, रिकॉर्ड हो रहे हो आप, मेरे व्हाट्सएप कर देना, कार्ड वाला कैमरा, व्हाट्सएप करूं वीडियो, YouTube पे देख लेना, नहीं नहीं वैसे नहीं, हम तो YouTube पे दिखाएंगे, फेमस करेंगे पूरी दुनिया में। क्या देना? हैप्पी डेंटल। नहीं यार ऐसा क्यों मत करो। अच्छा वैसे उस दिन बाइक पे बैठे थे कैसा लगा था? अरे यार क्या कर रहे हैं बताओ तो, उस दिन बाइक पे बैठे तो कैसा लग रहा था? अच्छा बताओ तो, सीरियसली बताओ बाइक पे जब बैठे तो कैसा लगा था? दोबारा बैठाऊं अपनी वाली हायाबुसा पे? उस दिन तो हायाबुसा भी नहीं थी, जिंदगी में कभी ना बैठो। तो भाई ये एक बहुत ही गलत चीज हो रही है, गलत चीज मतलब आई कैन सी रेन, बारिश हो रही है एंड ये बहुत गलत हो रहा है, कल का ट्रिप 100% कैंसिल हो जाएगा अगर बारिश हुई तो, बारिश हुई तो मैं तो नहीं जाऊंगा, वैसे मेरा जाने का पूरा मन है, मैंने सारी बुकिंग्स करा रखी हैं, सब कुछ कराया हुआ है बट मैं नहीं जाने वाला अगर बारिश हुई तो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ऐसे वेदर में बाइक नहीं चलाता हूं। अब तो अच्छे लग रहे हो, दिख रहे हो ना बिल्कुल पेट्रोल, चले फिर राइड पे चले बाइक पे, पक्का 100%, वो मतलब जैसे मैं चलाता हूं वैसे ही हेलमेट मैं रखूंगा, लेकिन हाँ हेलमेट पहन लेना, हेलमेट में क्या है आंखें बिना खुलती यार। तो भाई मौसम हो रहा है कुछ ऐसा कि बिजली चमक रही है एक्चुअली बाहर, देखो अब नहीं चमक रही, अभी तो बादल भी गरज रहे थे तगड़े वाले, कैमरा ऑन होता है तब नहीं दिखता कुछ, हाँ जब कैमरा ऑन होता है तब नहीं दिखता, राइट सही बोल रहे, ये चमकी, ओहो हो मतलब एक्चुअल में अभी गरज रहे थे बहुत तगड़े वाले, मैं जितनी देर में बालकनी में आया सब बंद, मौसम देख के डर लग रहा है सीरियसली बताऊँ, मतलब मेरा ना बहुत मन है इस ट्रिप पे जाने का, मैं स्किप नहीं करना चाहता हूँ, तो वैसे ये रहा अपना हेलमेट और बाना क्लावा को रखा मैंने अंदर। हाँ जी भाई, मौसम खराब लग रहा है, शादी में तो नहीं आ रहा? तो ये एक ट्विस्ट है, तो इन दोनों का अच्छा फ्रेंड शाजिम जो वैसे मेरे छोटे भाई जैसा ही है, इन जैसे ही है, तो वो जब भी घर आता है ना उसके नेक्स्ट डे राइड कैंसिल होनी ही होनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कोई भी रीजन हो सकता है, नेचुरल रीजन से 6 बजे हो गया सर,
हाँ नहीं यार ज्यादा हो गया, कंफर्म हो गया, मतलब 5 बारी तो बोल के हुआ है। तो वो कब आया था? परसों आया हुआ था। हाँ, परसों आया था। आपने सीधे परसों आया था? मैंने उसको लिटरली बोला, मैंने कहा शाज़िम तू रुक तो नहीं रहा? कहते नहीं नहीं भैया मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई रुकना भी मत, तू जा। बारिश हो गई? बारिश आ गई? यस हाँ बारिश आ गई। तेरी ये देखो। अरे यार नहीं। ओह नो ओ नो ओ नो, ये हुई भी तेज है। आई एम सैड। तो ये हो गई GoPro की बैटरी 1, 2, 3, 4, 5 एंड G7X कैमरे की बैटरी मेरी। तो ये सब रेडी हो चुका है। कुछ एक दिमाग में कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट भी पूरे करेंगे वहां पे जाके। कोशिश यही रहेगी कि 2-3 वीडियो तो मैं बना ही लूं। तो बाहर अभी भी बारिश हो रही है एंड दैट्स रियली सैड। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है, मतलब पैकिंग भी मेरी बीच में रह गई है इस चक्कर में। तो भाई सबसे पहले थोड़ी सी शक्ल सुधार लें, शेव में बड़ी हुई है बहुत ज़्यादा, और शेव कर लेते हैं क्योंकि फिर 3 दिन टाइम नहीं मिलेगा वहाँ पे, तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, सही लग रहा हूँ। तो फाइनली हो गया, शेविंग हो चुकी है एंड थोड़ा सा बेटर लग रहा हूँ मैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। वैसे थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, आई डोंट नो क्या होने वाला है। फाइनली बैग तो पैक कर लेते हैं, बारिश ज़्यादा हुई तो शायद नहीं जा पाएंगे, बट स्टिल बैग पैक करना तो बनता है। तो मैंने डाल लिए जीन्स, 3 टी-शर्ट्स, पेयर ऑफ सॉक्स, एक बनाक्लावा एक्स्ट्रा, एक घड़ी है, एक छोटा टॉवल है। वैसे होटल्स में टॉवल मिलते हैं बट रस्ते के लिए बाई चांस जरूरत पड़ जाए तो ये गॉगल्स जो मेरे साथ में जाएंगे। ये मेरा ट्रेवल किट है। एक टूथब्रश वैसे मैंने इमरजेंसी के लिए ले लिया है, इसमें पॉकेट्स बहुत सारी हैं, थोड़ा अलग अलग रख लेता हूँ। यहाँ पड़े हैं अपने टर्बो एक्सट्रीम के स्टिकर्स जो बीकानेर में मैं बांट दूंगा। एक मेरे शूज और स्लीपर्स जो मैंने डाल दिए एक ही थैली में। एंड सच बताऊं तो इसके अलावा ये काफी सारा सामान, क्योंकि मुझे ना आधी आधी रात को भूख लगती है और सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगती है खाने में कि मैं थोड़ा 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 कुछ ना कुछ चॉकलेट्स खाता हूँ एंड मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो मैंने 2 कोकोनट वाटर लिए और अपनी फेवरेट 2 कॉफी। तो एक चीज बहुत अच्छी है कि हम जा रहे हैं कार में, तो ये रहे कुछ वेट टिश्यूज मैं अपने जो साइड पॉकेट है उसमें रखूंगा ताकि जहां पे भी मैं रुकूं तो वहां पे मैं फेस वाइप कर सकूं। मेरे ये स्पेक्स कवर में डालने और एक मैंने ये विंडशीटर ले लिया है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो है मोबाइल चार्जर, कैमरा चार्जर, कैमरे की बैटरी का चार्जर, GoPro की बैटरी का चार्जर एंड सारी बैटरीज, कैमरा। तो ये सब अगेन मेरी साइड वाली जो वेस्ट बैग है उसकी पॉकेट में, चार्जर्स को छोड़ के चार्जर्स बैग में जाएंगे। एंड मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ ले लिया है, आई बिलीव मैं कुछ नहीं भूला हूँ, प्लस बाइक के पेपर्स एंड लाइसेंस वो भी मैंने ले लिया है और मुझे शायद कुछ याद आने का। तो सुबह हो गई है और सबसे अच्छी बात है कि बारिश बंद हो गई है, थोड़ा सा बाहर कीचड़ जरूर है पर बारिश बंद हो चुकी है एंड आई एम रियली हैप्पी। मैं पूरा तैयार हूँ इस टाइम पे और गियर वेयर पहन लिए, तो बिना गियर्स के बाइक्स मत चलाया करो क्योंकि सेफ्टी इसी से ही होती है और किसी से नहीं होती। तो ध्यान से चलाओ, हमेशा सेफली चलाओ, हेलमेट और गियर्स पहन के चलाओ। तो ये ना मेरा बैग बिल्कुल रेडी और कैमरे के पीछे शिवम राजपूत, और ये सुबह सुबह मुझे दिया है सबवे का सब इसने, स्पॉन्सर्ड बाय मेरी बहन, पीछे कौन है नींद में। तो ये वैसे खड़ी हुई है सुबह सुबह मेरे को सी ऑफ करने के लिए, और पीछे हमारे एडिटर साहब किस बात के लिए रो रहे हैं। तो भाई हवा चल रही है बहुत तेज, तूफानी हवाएं और खतरनाक सा मौसम हो रहा है। तो ये खड़ी अपनी बाइक, ऑल रेडी ऑल सेट टू गो, और मैं आ रहा हूँ बीकानेर। मिलते हैं बीकानेर में। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।